क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज बहुत दिन बाद मिल रहे, काफ़ी दिन बाद। तो आज आप लोग का बहुत कमेंट आया था कि होटल का कॉस्ट बताओ, प्राइस बताओ, आपका कितना खर्चा हुआ कितना नहीं। तो आज आप लोग को यही बताएंगे। तो होटल का पूरा खर्चा आया था, 10 दिन का खर्चा आया था, कम से कम 10,000 के करीब। कोई होटल का जैसा 1200 है, कोई होटल का 900 है, कोई होटल का 800 है। तो होटल पे डिपेंड करेगा और आप लोग पे डिपेंड करेगा कि कौन सा खर्चा, मतलब कितना, जैसा होटल रहेगा वैसा खर्चा रहेगा। ऐसा बहुत सारे रास्ते में ऐसे होटल आए थे जो काफ़ी दूर दूर तक हमको नहीं मिल रहे थे। वो मुजफ्फरनगर में हमारे साथ ऐसा हो गया था और राजस्थान में भी हमारे साथ हुआ था। वैसा काफ़ी होटल थे जो रात में नहीं मिल रहे थे हमको। तो आप लोग होटल भी पहला, मतलब ऑनलाइन चेक कर लेना कि किधर है किधर नहीं है, कितना टाइम पे दूर पे है कितना नहीं है, तो उसके हिसाब से आप बुक कर लेना। और होटल का तो आप लोग जानते ही हो। फिर उसके बाद आप लोग को पेट्रोल का खर्चा बताते हैं। पेट्रोल का करीबन 9,500 के करीब हम लोग का पेट्रोल गया था मुंबई से केदारनाथ का। तो हम उधर भी गए थे और उसके बाद अजमेर भी गए थे। कलियर फैजान लोग गए थे तो 9,500 रुपया खर्चा आया था कुछ ऐसा पेट्रोल का, समथिंग। ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, आपके डिस्टेंस पे होता है, मतलब आप कहाँ से हो। अभी हम लोग नाला सोपारा से थे तो नाला सोपारा से हम लोग को थोड़ा नज़दीक पड़ गया था। तो आप लोग कहाँ से, गोरेगांव से आ सकते हैं, मुंबई से आ सकते हैं, पुणे से आ सकते हैं, तो आप लोग का पेट्रोल का अलग होगा। और 96 से 106 ऐसा पेट्रोल का दाम था। तो कहीं कम ज़्यादा हो रहा था, कहीं ज़्यादा हो रहा था। तो गाड़ी पे भी डिपेंड करता कि गाड़ी कितने का एवरेज देती है। मेरी धन्नो 40-45 का कुछ ऐसा एवरेज देती है। तो आप लोग के गाड़ी पे भी डिपेंड करता है कितने का एवरेज देती है। तो उस पर भी थोड़ा सा 500-1,000 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो भी आप लोग देख लेना। लेकिन मेरा तकरीबन 9,500 रुपया आया था कीमत, तो 9,500 उसका, और बाकी होटल का और पेट्रोल का मिला के भी कितना हो गया, 10,000 और 9,500, मतलब 20,000 में 500 कम, यानी 20,000 पकड़ लो तो 20,000 में। और कभी भी अकेले मत जाओ, मतलब किसी को पीछे बैठा के जाओ, उससे क्या होगा कि आधा खर्चा आप लोग दोगे और आधा वो देगा। तो होटल हो गया, और होटल में भी आप लोग का जाएगा, आधा वो देगा आधा आप लोग दोगे। पेट्रोल में भी आधा वो देगा आधा आप लोग दोगे। तो किसी को साथ में लेके जाओगे तो आप लोग का सेफ्टी भी अच्छा रहेगा, और साथ में आपका जो खर्चा रहेगा वो बच जाएगा। जो खाने का रहेगा, जो होटल का खर्चा रहेगा, वो सब में आप डिवाइड कर दोगे, यानी आधा वो भरेंगे आधा आप लोग भरोगे। इससे क्या होगा कि आप लोग का भी खर्चा थोड़ा बच जाएगा, उसका भी बच जाएगा, उसको भी घूमने का मतलब अच्छा रह जाएगा, आप लोग भी घूम पाओगे। तो आप लोग को गाड़ी भी 200-250 किलोमीटर चला के आराम देना है, और ज़्यादा आराम भी नहीं देना है, जैसा 40 मिनट 45 मिनट, जितना मतलब आपको 200 किलोमीटर चला लोगे तो आपको तो पेट्रोल भरना ही रहेगा, क्योंकि आपके स्कूटी 5 लीटर से ज़्यादा शायद से ले नहीं पाएगी। और गाड़ी में पेट्रोल भी होना 1 लीटर जरूरी रहता है, नहीं तो ज़्यादा कम भी वो करेंगे तो इंजन फीस होने का डर रहता है। सो अपना ऑयल वॉयल टाइम टाइम पे चेक करते रहना, अपना टायर टाइम टाइम पे चेक करते रहना, लगेज भी टाइम टाइम पे चेक करते रहना, क्योंकि आप लोग तो देखे थे कितने सारे जन का लगेज गिर गया था। फैजान लोग का लगेज गिर गया था, हमारा भी थोड़ा बहुत ढीला हो गया था लगेज, क्योंकि हम लगेज वाला बना के नहीं गए थे। तो 200-250 किलोमीटर चला के थोड़ी देर का आराम दो, जैसा 40 मिनट 45 मिनट, उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी और आप लोग को जो खाना पीना रहेगा वो भी आप लोग कर सकते हैं। और गाड़ी थोड़ा संभाल के यूज़ करो, क्योंकि एक्सीडेंट होने का काफ़ी ख़तरा रहता है, 2-2 एक्सीडेंट हम लोग देख चुके हैं। तो आराम दोगे तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा। इंजन सीज होने से ये होगा कि आप लोग का 5-10 हज़ार का खर्चा चले जाएगा, और 5-10 हज़ार का खर्चा जाने से अच्छा है 200-250 किलोमीटर चला के आराम दो। आराम देने से आपका 5-10 हज़ार भी कम हो जाएगा और आप लोग का वक्त भी बच जाएगा। तो ध्यान से गाड़ी चलाओ, सेफ राइड करो, आराम से जाओ, ज़्यादा दिक्कत नहीं। एक दिन लेट होगा चलेगा, लेकिन टाइम से पहुँचो। और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, फॉलो करो, क्योंकि काफ़ी लोग थे, 80% लोग ऐसे थे जो वीडियो देखे लेकिन फॉलो नहीं किए। तो फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को भी, जिसको जिसको केदारनाथ जाना है स्कूटी से, क्या मुसीबत आएगी क्या नहीं। अभी हो सके तो हम दूसरा भी ट्रिप निकालेंगे, तो आप लोग के लिए सरप्राइज़ रखे कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, उसका भी व्लॉग बनेगा।